नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टुडे फार्मिंग जोन पे। तो दोस्तों, आज आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी पशुपालक भाइयों और किसान मित्रों को बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार था। जी हाँ, साल 2022 का सबसे पहला और सबसे बड़ा पशु मेला, पशु कंपटीशन, पशु मुकाबला, तीसरा DFA, थर्ड DFA आज 21 फरवरी 2022 से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू हो चुका है। कुरुक्षेत्र जो कि भगवान कृष्ण की कर्मस्थली के नाम से भी मशहूर है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वही उसी कुरुक्षेत्र में आज 21 फरवरी 2022 से सबसे बड़ा थर्ड DFA पशु मेला स्टार्ट हो चुका है। और इसका बेसब्री के साथ इंतज़ार इसलिए था दोस्तों, क्योंकि पिछले साल में कोरोना लॉकडाउन के कारण ये कैंसिल हो गया था और इस बार भी जो कि ये 7, 8 और 9 जनवरी 2022 को शुरू होने जा रहा था, लेकिन इस बार भी कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन आज फिर से स्टार्ट हो गया है ये मेला। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि पिछली बार ये मेला थीम पार्क में कुरुक्षेत्र में लगने वाला था, लेकिन अब की बार इसकी लोकेशन चेंज कर दी गई है और अब की बार ये मेला थीम पार्क की बजाय कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पार्किंग में जो गुलजारी लाल नंदा स्मारक है उसके पास में लगा हुआ है। और ये तीसरा DFA पशु मेला डेयरी किसान एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों, आज यानी 21 जनवरी 2022 को दिन में 11 बजे आज के पहले पशु मुकाबले जो कि देसी ड्राई गायों का मुकाबला है, तो आज इस मुकाबले के साथ 11 बजे दिन में ये शुरू होने जा रहा है। तो अभी भी टाइम है, जिन भाइयों ने अभी तक अपने पशुओं की एंट्री नहीं करवाई है वो अभी भी करवा सकते हैं। और वैसे भी अब की बार इस मेले में भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी अपने पशुओं की एंट्री करवा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किराया लगाकर अपने पशुओं को मेले में लेकर आए भी और आपकी एंट्री भी ना हो, तो इस बात का तो कोई फ़ायदा है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने पशुओं की एंट्री इस मेले में करवा लीजिए, क्योंकि जिन पशुओं की एंट्री होती है वही इस मेले के कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। और एक बार बता दूं कि यहाँ सिर्फ पशुओं की एंट्री फीस लगती है, पशुपालकों और दूसरे किसान मित्रों या जो मेला देखने के लिए आए हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, सब फ्री है। तो सामने स्क्रीन पर जो नंबर आप देख पा रहे हैं, आप उन पे कॉल करके अपने पशुओं की एंट्री करवा सकते हैं, या तो फिर सीधे ऑफिस में जाकर मैनेजमेंट से मिलकर आप अपने पशुओं की एंट्री डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, देश भर की लगभग सभी स्टेट से, हरियाणा से, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, लगभग सभी स्टेटों से पशुपालक भाई अपने पशुओं को लेकर कुरुक्षेत्र में इस तीसरे DFA मेले में पहुंच चुके हैं और कुछ अभी भी आ रहे हैं। इनके अलावा मेला देखने वाले लोगों का भी काफ़ी तांता लगा हुआ है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पशुओं के अलावा भी यहां पर किसानों और पशुपालन संबंधी मशीनों और प्रोडक्ट्स की भी बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी हुई हैं।
तो दोस्तों कुल मिला के अब की बार ये मेला बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि एक तो 2 सालों के इंतज़ार के बाद ये मेला लगा है और ऊपर से मौसम भी काफ़ी गर्म हो गया है, काफ़ी सुहाना हो गया है और खेतों में भी अभी किसानों के पास इतना काम करने के लिए कुछ ज़रूरी काम नहीं है। तो कुल मिला के सभी किसान भाई इस मेले की ओर आ रहे हैं मेला देखने के लिए, या फिर अपने पशुओं को इस मेले में पार्टिसिपेट कराने के लिए अपने पशुओं को साथ लेकर आ रहे हैं। तो कुल मिला के मेला बहुत ही शानदार, बहुत ही रौनक यहाँ पर अब की बार होने वाली है। एक और बहुत ज़रूरी बात दोस्तों कि इस मेले के सभी पशु मुकाबले, सभी पशु कंपटीशन हमारे इस चैनल पर लाइव दिखाए जाएंगे और इस मेले के ख़त्म होते ही इसके जस्ट बाद भिवाणी में भी 25, 26 और 27 तारीख को साल का सबसे बड़ा पशु मेला, पशु कंपटीशन, पशु मुकाबला लगने वाला है, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उस मेले के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी और उस मेले के भी सभी पशु मुकाबले, सभी पशु कंपटीशन आपको लाइव हमारे इस चैनल पर दिखाए जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे और अभी हमारे इस चैनल टुडे फार्मिंग जोन को सब्सक्राइब करके ये बेल का बटन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए और सभी पशु मुकाबलों को आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो भी इस मेले की सभी वीडियो देखकर अपने मेले के बारे में सारी जानकारी ले सके और सभी मुकाबले लाइव देख सके। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अब ये ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, दोस्तों सबसे पहले तो एक ज़रूरी सूचना आप सबके लिए, अगर आपके पास अच्छी नस्ल के, अच्छी क्वालिटी के पशु हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, उनके बच्चे हो, बुल हो या भैंसे हो या भेड़ बकरी जो भी हो, अगर आपके पास अच्छी नस्ल के पशु हैं और आप चाहते हैं कि आपके पशुओं के बारे में पूरी दुनिया जाने, तो आप अपने पशुओं की वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए, हम उनकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, जिससे आपके पशुओं की वैल्यू बढ़ेगी, उनकी कीमत बढ़ेगी और आपका भी नाम होगा। और ये बिल्कुल फ्री है, एक पैसा भी इसके लिए आपको देना नहीं होगा। बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो सोच क्या रहे हैं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। फ़ोन उठाइए, अपने पशुओं की वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। जो नंबर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी पर वीडियो भेजनी है।